वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्वानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समाजूतं बृंदावनं मनोहरं वंचाकल्पतरुवेश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वंदे परमानन्दमाधवम् वृंदावई तुलसीदेव वही पिया वही केशवश्च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति भक्ति प्रमदाख जगद्वरेण्य धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चन तम् शरण्यम् भीतातिहम् पनतपालभवद्दीपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंद यत्पाद पल्लवनक चंदमनि छटाय विस्फुरजित किमपि कपोवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजान लंबित भुजौ खनकाबदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्ष विशांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे यत्र तमो गुणानुवाद यत्र तमो उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्रह्म कथा विखातः निषेव्यमानं मनदीनं मुमुक्षुरमतिं सतिं यच्छति वासुदेवे यत्रोत्तमो श्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्रह्म कथा विघातः निषेव्यमानं मनोदीनं मुमुक्षोरमतिं सतिं यच्छति वासुदेवे शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताए हरि कीर्तनी गौड़ीय वैष्णवों का प्राण होते हैं। हरि कीर्तन छोड़ के एक पल भी हमारा जिंदगी का गुजारे नहीं गुजारा नहीं हो
इसका बारे में श्रील सरस्वती ठाकुर अक्सर उपदेश देते थे। अंतिम समय में जब अशुष्टों का लीला रचाए तो भक्त लोग प्रभुपाद को कथा नहीं बोलने देते थे। डॉक्टर जो आते थे पूछते थे, प्रभुपाद आप कैसे हैं? प्रभुपाद बोलते थे, ये लोग मेरे को हरी कथा बोलने नहीं देते, मैं अस्वस्थ महसूस करता हूँ, हरी कथा बोलने नहीं देते, इसलिए मेरा बेचैनी बने रहते हैं, बेचैनी रहता है अंदर में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जो ये कहना और भागवत जी का जो श्लोक हमने बताए, इसको व्याख्या करने के पहले श्रीमद् भागवत जी का पांचवा स्कंध, पंचम स्कंध में ऋषभ जी ने अपना जो पुत्र हैं, पुत्र शतपुत्र को उपदेश दिए थे, ये भी आप ध्यान से सुनना चाहिए। ऋषभ जी भगवान का अवतार है। ऋषभ जी ने बताएं, बहुत सारे उपदेश उसमें एक है, उसमें एक उपदेश है, मोतिर न जावद मोहि वासुदेवे न मोच एद देह जोगे न तावत, मोतिर न जावद मोहि वासुदेवे न मोच एद देह जोगे न तावत। हे पुत्रगण सुन लो ध्यान से, मोतिर न जावद मई वासुदेवे न मोच एद देहो योगे न तावत। जब तक मैं शुद्ध सतमय वसुदेव तत्व, मैं शुद्ध सतमय वसुदेव तत्व मुझ में जब तक बद्ध जीवों का मन ना लग जाए, तब तक ये शरीर छूटना, दूसरे शरीर को पकड़ना, ये चलते रहेगा। मोतिर न जावत मतिवा, मोतिर न जावत मई वासुदेवे, शुद्ध सतमय ये जो वासुदेव तत्व हम मैं हूँ, इसमें जब तक बद्ध जीवों का मन ना लग जाए, तब तक जन्म मरण का जो चक्कर है इससे कोई छुटकारा, कुछ भी कर लो छुटकारा है नहीं। उस दिन जलंधर में चर्चा कर रहा था, जावल जावत लिंगन नितो ही आत्मा तावत कर्मो निबंधनम, जब तक लिंग शरीर का जो चक्कर चलेगा, जावत लिंगन नितो ही आत्मा, माइंड इट। श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज सुंदर व्याख्या करते थे, बोलते थे नारद जी आकर व्यासदेव जी को दर्शन दिए, व्यासदेव जी कोई साधारण आदमी नहीं, सक्ता भी सब होता, और नारद जी भक्ति भक्ता भी सब होता, भक्ति का आवेश करके भक्ति प्रचार के लिए। तो नारद जी का क्वेश्चन था, प्रश्न था, शरीर और मन के साथ आपका आत्मा कैसा है? जब हम लोग पूछते हैं आप कैसे हो, यही तो बात है, लेकिन नारद जी जब पूछते हैं व्यासदेव जी को, आपका शरीर मन और आत्मा, आप आत्मा और मन, शरीर और मन का साथ आपका आत्मा कैसा है, प्रसन्न है कि नहीं, ऐसा पूछा। इसका गहरा मतलब ये है, जो जीवात्मा और परमात्मा अंदर में रहते हैं सब जानते हैं, ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा जब ये जो लिंगान्वितो, लिंगान्वितो मतलब इसको हमारा वेदांतों में
कारण शरीर बोला गया, कारण कारण शरीर, जिसको लिंगात्मा बोला जाता, लिंग लिंगो आत्मा, लिंगो देहो, लिंगो शरीर, जिसको लिंगो शरीर बोला गया, इसको ही विचार करके बताया ये कारण शरीर है। आपका तमाम दुख भोग, कष्ट भोग, सुख भोग, कुछ भी होए, सब कोई का पीछे एक कारण शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कीर्तन में गाया, लिंगो देव भंगो है अनासी, ईषद उदित होने का बाद हरिनाम, हरिनाम महामंत्र का जो कीर्तन है, जय जय हरिनाम चिदानंद मिता धाम, ये कीर्तन में अंतिम में भय, लिंगो देहो भंगो है अनायासे, वो लिंगो देहो जिसको कारण शरीर, अंग्रेजी में जिसको सटल बॉडी बोला गया, इसको जब तक रैप्चर, इसको जब सब रैप्चर ना हो जाए तब तक आपका छुटकारा नहीं है। जब तक लिंगो शरीर रहेगा तब तक जन्म मरण का चक्कर चलते रहेगा। इसी को ही ऋषभ जी ने बताए, जो मोतीर न जावत मई वासुदेवे न मोच एद देहो जोगे न तावत, देहो जोग, ये जीवात्मा एक शरीर छोड़ने के बाद देहो का जोग होगा। क्यों? ये स्थूल भोग, ये जड़ जगत का भोग, जड़ जगत का भोग, दुख सुख ये सब भोग करने के लिए ये शरीर दिया जाता है, और कोई कारण नहीं। श्रील प्रहलाद महाराज का कहना बहुत पहले चर्चा किया था, महाराज जी भी आज चर्चा किए, बद्ध जीव का कोई रास्ता नहीं है, भगवान का कथा कीर्तन चर्चा छोड़कर किसी भी हालत से उसका बंधन दशा छूटता नहीं है। भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन, अप्राकृत शब्द ब्रह्म का चर्चा, इसके सहारा लेने का बाद ही जीवात्मा इस जगत का बंधन छोड़कर अप्राकृत जगत में जा सकता है, कोई दूसरा कारण नहीं है। हमारा श्रीमद् भागवत जी महापुराण में दसवां स्कंध में कोई कोई आदमी जब कथा सुनते बैठता है उसका अधिकार नहीं है, वो प्रश्न करता है, महाराज वो जो जागी की पत्नी है, वो लोग भगवान का चरण में जो मति लग गया वो कैसे, वो लोग तो कथा सुना नहीं, दीक्षा लिया नहीं, दीक्षा तो लिया नहीं, ब्राह्मण लोग तो जब वापस आए, हम बाद में चर्चा करेंगे टाइम जब मिले, 900 द्विज संस्कार नौ निवास गुरु गोपी, अरे क्या तज्जब की बात है, ये लोगों का तो कोई संस्कार भी नहीं हुआ, गुरुकुल में वास भी नहीं हुआ, वो लोगों का ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हुआ। विचार करके देखो सब कुछ ये रहस्य का पीछे सत्संग अवश्य है। ये जो जागी पत्नियां हैं इनके किसका संग सत्संग हुआ था, बोले महाराज तो घर के बाहर नहीं निकालते थे, बोले महाराज फूल चयन के लिए थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाना ही पड़ता है तुलसी उतारने के लिए। उसी समय मालिनी वृंदावन का वो बहुत सुंदर गाती थी कीर्तन कृष्ण का, कृष्ण का इतना सुंदर कीर्तन गाती थी, वो कीर्तन को सुनने का बाद मैं वेदांत सूत्रों से काल समय हो इसको चर्चा करेंगे, अप्राकृत शब्द ब्रह्म प्राकृत शब्द ब्रह्म इसका पार्थक्य क्या, बहुत समय लगता है। अप्राकृत शब्द ब्रह्म जब आपका कानों में जाए, आपका अंतकरण अगर विशुद्ध है वो अप्राकृत शब्द ब्रह्म अपना स्वरूप को दिखाएगा, अपना स्वरूप को प्रकाश करे, ईशोत विकसित पुनो
দেখায় নিজ রূপগুণ চিত্ত হরি লয় নিজ পাশ। ভক্তিমত ঠাকুর ঈষৎ বিকশিপুণ দেখায় নিজ রূপগুণ চিত্ত হরি লয় নিজ পাশ। ঈষৎ বিকশিপুণ হরিনাম কা কই স্বরূপ হ্যাঁ মারো তো দেখতে অক্ষর হ্যাঁ মহারাজ যে বতায় লেকিন রূপ গোস্বাই পর আরতি কর রে নিখিল শ্রুতি মৌলি রত্নমালা দুতি নিরাজিত পাদ পঙ্ক জান্ত হরি মহারাজ তাজ্জব কি বাত হ্যাঁ হরিনাম প্রভু কা আরতি কর রে আর বোল রে নিখিল শ্রুতি মৌলি রত্ন মালা দুতি নিরাজিত পাদ পঙ্ক জান্ত নিখিল শ্রুতি স্মৃতি ইনোনে আপনা মস্তক পর মুকুট ভূষণ হীরে মোতি জবরত এসব মুকুট লেকে হরিনাম প্রভু কা চরণ মে জব এসে দণ্ডবত নতি করতে হ্যাঁ তো ও যো মুকুট সে বিখরে হুয়ে যো জ্যোতি হীরে মুনি অপ্রাকৃত যো জেবর উসে যো বিখরতে হুয়ে যে লাইট এমিটিং লাইট অপ্রাকৃত যো রশ্মি আতে হ্যাঁ রূপ গোস্বাই পর চিন্তন করতে হ্যাঁ দুতি নিরাজিত পাদ পঙ্ক জান্ত নাম প্রভু কা চরণ অধ্যায় কা আরতি হো রা আরে মহারাজ নাম প্রভু কা চরণ হ্যাঁ নাম প্রভু কা চরণ হ্যাঁ ইধর প্রমাণ কর দেঙ্গে কাল আজ নেই আজকার টপিক্স দুসরা হ্যাঁ অপ্রাকৃত শব্দ ব্রহ্ম কা প্রভাব এ হ্যাঁ আচরণশীল যো গুরু বৈষ্ণব হ্যাঁ ইনকে শব্দ কই ये जवान से निकलता नहीं ये शब्द अंतकरण से निकलते हैं इनके साथ अप्राकृत जगत का कनेक्शन होते हैं सिसिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जब कीर्तन करते हैं और जो बाहर का आदमी कीर्तन करते हैं ये दोनों में जो फर्क है समझ में आता है ना रेडली यू कैन अंडरस्टैंड तुरंत कीर्तन हो रहा है दूसरा देख कीर्तन कर रहे हैं महाराज महाराज कीर्तन करने के साथ साथ जो सोया हुआ है अरे कौन कीर्तन कर रहा है निकाले देखे अरे क्या कैसा कीर्तन क्यों वो लोग जो कीर्तन करते हैं वो शब्द ब्रह्म नहीं है महाराज जी जो कीर्तन कर रहे हैं उसमें साक्षात गौर नित्यानंद प्रकटित हैं वो कीर्तन में जो प्रभाव है वो हर बद्ध जीवों का अंदर प्रभाव फैल सकता है प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड उसमें एक कारण एक कंडीशन है प्रोवाइडेड ही इज नॉट वैष्णव अपराधी फॉलो मी सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं बड़ा बड़ा महात्मा पहुंचा हुआ महात्मा इन लोगों का मुखारविंद से विगलित अप्राकृत हरि कथा सुनने का बाद भी तुम्हारा मंगल का रास्ता नहीं भी खुल सकता है हाउ भले ताते जानी अपराध अछय प्रचुर अपराध इतना है वैष्णव चरण में इतना अपराध किया है यू आर सिटिंग हियर ही इज ऑल्सो सिटिंग हियर But some sort of reaction you can feel into your heart, but he cannot feel. How? एक ही तो शब्द ब्रह्म आपका शरीर में बेचैनी पैदा कर दिया क्या हो रहा है ये कीर्तन की क्या है धूम मचा दिया लेकिन वो सुन रहा है ऐसे कभी नीच जा रहा है प्रभुपाद जी का ये जो कहना है एक एक शब्दों को विचार करने समझो तो आपको अक्ल हो जाएगा भजन में जो शब्दों देके हमने शुरू किया था वो शब्द क्या था ना वहाँ भागवत जी का सुंदर दसवां स्कंदों का श्लोक जत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात
यत्रो उत्तम श्लोक गुण अनुवाद प्रस्तुयते, जहाँ संत महात्मा लोगों का मुखरबिंद से उत्तम श्लोक का व्याख्या तो हो गया, बार बार एक ही चीज हम नहीं करेंगे। उत्तम श्लोक भगवान का जो गुणानुवाद, अप्राकृत लीला, अप्राकृत कथा जो जहाँ प्रस्तुत होता है वास्तव संतो महात्मा का मुखारविंद से, वहाँ कभी ग्राम्य कथा टिकेगा नहीं। एग्जाम्पल, आप लोगों में बहुत आदमी इधर से जस्ट निकालो, बातें करने में लग जाओगे, दुनिया भर का बातें, यहाँ से वहाँ निकालो बातें शुरू हो जाएगा। बट वेन यू आर हेयर, अभी जब हमारा सामने बैठे हो, आपका हिम्मत नहीं। यत्रो उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते, ग्राम्य कथा विघात, ग्राम्य कथा धक्का लग के बाहर निकाल जाए। और गीता में जो भगवान बोला, अगर कोई यहाँ ऐसा आदमी है भगवत कथा बोलने नहीं देंगे, हरि कथा हरि कीर्तन नहीं करने देंगे, तो उसका लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण सुंदर बताए, उसका वहाँ जालंधर में सुंदर काल का प्रवचन परसों हुआ था, उसमें कारण भी बताया था कैसे क्या होता है। जिसका हरि कथा सुनने के बाद क्रोध होता है, उसका अंदर में काम है, उसका अंदर में भगवत भजन का कोई बात ही नहीं है। ग्राम्य कथा जब चलते रहे तब तक हरि कथा में आवेश होना संभव नहीं। और शास्त्रकारों ने एक बात खुल्ला खुल्ला बता दिया, जब तक आपका भगवान में गुरु में आवेश शमशर ऑफ इंडक्शन शुड बी देयर, देन यू कैन डू हरि कीर्तन। हरि कीर्तन का पहला कंडीशन क्या है, चैतन्य महाप्रभु बोल दिया, वो तो चर्चा नहीं करेगा, तेनाद विश्वनिचन तरल विश्वेश्वर अमन नमाद कीर्तन्यो सदा है। लेकिन ये तो है ही है, हरि कथा जब कीर्तन करने बैठोगे तो उसमें आपका अंदर में गुरु जी का जो आवेश, भगवान का आवेश, वो आवेश आपको मशगूल कर दें। इसको ही श्री शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महा बोलते थे, कैसा बोलते थे, व्याख्या करते थे, कैसा व्याख्या करते थे, उन्होंने बोलते थे, पियाईया प्रेम मत करी मोरे सुनो निज गुणगान, पियाईया प्रेम मत करी मोरे सुनो निज गुणगान। अरे हम कीर्तन करने वाला कौन है, भगवान का कथा बोलने वाला कौन है? अगर हमारा गुरुजी प्रभुपाद हमारा हृदय में बैठ जाए, बैठ के ठाकुर जी बैठ जाए, बैठ के अपना कीर्तन करा ले और अपना कीर्तन सुन भी ले, अपना कीर्तन करा ले, अपना कीर्तन सुन भी ले। बोले कैसे? अच्छे राय रमानंद महाप्रभु का साथ जी, राय रमानंद संवाद, वहाँ राय महाशय जी खुल्लम खुल्ला बता दिया, तुमने हमारा पास प्रश्न रखते हो और खुद हमारा जवान में बैठकर राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय, किसने बोला? श्री कृष्णदास कविराज, राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय, राय राय रामानंद का जवान वे कौन? गौरांग महाप्रभु बैठा हुआ है और सिद्धांत का तमाम दुनिया का सार उत्थापन कर रहे जगतवासी के लिए। और हमको लगता है राय महाशय कीर्तन कर रहे, महाप्रभु सुन रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं, महाप्रभु श्रोता बन के भी बैठा हुआ है। महाप्रभु गीता में एक सुंदर चीज बताया, जब तक बद्ध जीव के अंदर कर्तापन डुअरशिप, कर्तापन जानते हो, हमने किया है अभिमान,
कर्तापन जब तक रहे तब तक उसका एक बूंद भी भजन में अग्रगति संभव नहीं है, भजन में अग्रगति संभव नहीं। पहले भजन का पहला मकसद है उसको काटो, तमाम दुनिया का जो आदमी भजन का बहाना बना रहे, और गीता में जो स्टेप बाय स्टेप कर्मयोग से लेकर कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग सब लेकर धीरे धीरे भक्ति योग तक गया, उसमें भागवत में एक सिद्धांत दिया, तमाम कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग जो भी करो उसमें भक्ति योग, आप भक्ति योग में हो, आप भक्ति योग में हो ना, भक्ति योग। लेकिन भागवत का सिद्धांत है सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी प्राइमरी स्टेज फर्स्ट तुम्हारा ड्यूटी क्या है इसका बारे में बताया। सारे भजन का तमाम भजन का फर्स्ट पहला मकसद ये है सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता। यू विल हैव टू गेट कंट्रोल ओवर योर माइंड, तुम्हारा मन पर तुम्हारा जो स्वेच्छाचारिता whimsical attitude ये मन का ऊपर एकदम शासन करो। पहले मन जब वशीभूत हो जाए, वशीभूत मन के द्वारा आप भजन कर सकोगे। मन वशीभूत हो गया तब आपका भजन करना संभव है। लेकिन इसमें भी एक बात होता है, मन को वशीभूत करने का जितना तरीका बताया इन सारे तरीकाओं में शुद्ध भक्ति युग में प्रतिष्ठित गुरुचरण का जो कृपा ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, नहीं तो होगा नहीं। हमने ये सब श्लोक का थोड़ा बहुत चर्चा किया, खुल्लम खुल्ला विस्तृत चर्चा नहीं किया, याद करके देखो सुना है। विजित ऋषि को बायो भीरदंत मुनस्तुरगम जय जतंति जंतु मति लोलोम पायो घितो व्यसन सतामृत समबहायो गुरुश्चरणम वनिज इवाज संत कृत कर्ण धरा जलधो। विजित ऋषि को वायु भीरदांत मनस्तुरगम जय यतंत यंत मति लोल मुपायो खितो। आई एम जस्ट फेड अप, इसका व्याख्या कभी करेंगे, अभी नहीं, अभी बोलने का इच्छा दूसरा है। हमने फेड अप हो गया, अपना मन का ऊपर मन को काबू में लाने का जो प्रयास है सब खत्म हो गया। अंतिम में उपदेश दिया, इसका बड़ा भारी लंबा चौड़ा चर्चा होगा कभी। गुरुचरण गुरो 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 न गुरो बहुवचन, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु आत्म प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु दो भी हो सकता है। लेकिन शिक्षा गुरु ग्रहण करने का क्या कंडीशन बताया था मैंने, बिफोर एक्सेप्टिंग शिक्षा गुरु यू मस्ट लुक दिस पॉइंट, एक पॉइंट देखना है कि वो हमारा दीक्षा गुरु का ऊपर उसका कोई ईर्ष्या है कि नहीं। हमारा जो दीक्षा गुरु इनका ऊपर इनका प्रीति प्रेम है कि नहीं, फर्स्ट कंडीशन। मे बी ही इज हैविंग ए वास्ट प्रोफेंसी, उसका शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, सब कुछ मुखस्त कर लिया, स्टिल आई कैन नॉट एक्सेप्ट हिम एज माई दीक्षा गुरु, ए शिक्षा गुरु। हम शिक्षा गुरु उसको ग्रहण करें जिनका अंदर में हम देखेंगे हमारा गुरुजी का लिए, हमारा गुरुजी का लिए बड़ा भारी प्रेम है, उसका आदर्श हो, उसका ये प्रेम है। और
शिक्षा गुरु का कर्तव्य ये होता है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का चरण में भक्ति बढ़ा देंगे। नॉट दैट दीक्षा गुरु ए क्या दरकार है, दीक्षा गुरु तो अभी असुस्थ है, उसका पास जाने का हमारा पास आ, ये शिक्षा गुरु नहीं है। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के चरण में भक्ति वृद्धि कर देंगे। इसको ही व्याख्या हमने जालंधर में भी की ना, कहाँ जम्मू में की। उसमें एक बात होता है, जो दीक्षा गुरु है वो संबंध ज्ञान दाता गुरु होता है, संबंध ज्ञान आचार्य। और संबंध ज्ञान आचार्य का साथ उपदेय तत्व का जो आचार्य हो, इसका कभी भेद दर्शन नहीं करना, ये प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन। स्टिल इसमें वो बहुत तर्क उठता है, बहुत बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। कभी भी संबंध ज्ञान दाता, संबंध ज्ञान दाता जो आचार्य, इनके साथ उभिदेय तत्व का आचार्य का कभी भेद नहीं देखना। भेद देखोगे तो गंडू मुश्किल है। एक स्वरूप में वो उपस्थित है, एक स्वरूप में ये उपस्थित। कभी कभी क्या होता है, मेरा दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक ही हो सकता है, कभी कभी दो भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन तत्वों का अंदर में भेद दर्शन करना अपराध है। इसका अंदर में एक विचार है, जब भी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का अंदर भेद देखने के लिए मना कर दिया चैतन्य चरितामृतम, कभी दीक्षा गुरु भेद शिक्षा गुरु में भेद दर्शन मत करो। स्टिल अगर हमारा संबंध नहीं होता है तो उभिदेव देख के हम क्या करेंगे। इफ आई हैव नो एट ऑल नो रिलेशन विथ माय गुरुजी, मंत्र मंत्र मतलब कृष्ण को दे दिया। हमारा अगर समय हो तो एक दो एक दिनों में बहुत सारे चर्चा करने का इच्छा रहा, आप लोगों का चरण का कृपा हमारा पर हुए इच्छा है। लेकिन बात यह है, जो संबंध ज्ञान दाता गुरु का जो अर्चन पूजा पहला करना चाहिए, क्योंकि संबंध अगर हमको नहीं होता तो हमको कैसे उभिदेव देके हम क्या करेंगे। पहला तो हमारा रिलेशन चाहिए भगवान का साथ, सब संबंध ज्ञान का पूरा एक ठो विराट वास्ट चैप्टर है। हमारा साथ भगवान का क्या रिलेशन है, हमारा साथ माया देवी का क्या रिलेशन है, माया देवी का साथ भगवान का क्या रिलेशन है, हैं ये हमारा साथ ये दुनियादारी चीज़ें का क्या रिलेशन है, सारे तमाम भास्ट चैप्टर। इसको बोलते संबंध ज्ञान, संबंध जनिया भजिते भजिते अभिमान हवे तू। संबंध ज्ञान जानने का पहले फास्ट हमारा पोजीशन क्या है, व्हाट इज माय पोजीशन। हम जिस जगह खड़ा, सपोज हमको जाना है किसी जगह, हमको जाना है किसी जगह, तो किसी दूर जगह जाना है तो पहले हम रास्ता भटक गया। हमको किसी जगह जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ड्यूटी है, अभी जो हम बात कर रहे हैं हमारा, हम किस जगह पे हैं, व्हाट इज माय पोजीशन, हम कहाँ है, इसको डिटेक्ट करो पहले। उसका बाद नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऑफ डिटेक्शन लेके जहाँ से वहाँ से आप रवाना हो गए। यो भजन का रास्ते पे यात्री है, भजन का मार्ग में यात्री है, वो अगर अपना पोजीशन का कोई ध्यान नहीं है, व्हाट इज हिज ओन पोजीशन, तो वो आगे चलेगा कैसे, उसका खुद का पता नहीं है मेरा पोजीशन क्या है, कैसा स्थिति है, कौन बताएगा, ये बात है। जो श्लोक हमने भागवत का शुरू किया उसका थोड़ा व्याख्या करें, प्रभुपाद जी का एक घटना हम बता के छोड़ देंगे। जहाँ उत्तम श्लोक भगवान का कथा होता है संत महात्मा वहीं रहते हैं, जहाँ होता नहीं वहाँ नहीं रहते।
श्रीशिल आज हमको महाराज जी ने इन्फॉर्मेशन भेजा, हमने बोला आज नीचे जाना दरकार है। महाराज जी उसको बोला, महाराज जी का इच्छा, आज तो कुछ दिनों का कोई खबर नहीं है, आप लोग हम लोग आए हैं, खबर नहीं है। महाराज जी की इच्छा है तो आ सकता, नहीं इच्छा तो नहीं आ सकता। तो हमने सोचा अगर एक रोटी भी हम पाएगा इन मंदिर में, बदले में क्या दे, कुछ देने का बात कुछ लेने का हक बनता है। इसलिए हरि कीर्तन हरि कथा छोड़कर साधुओं का कोई स्थिति नहीं है। श्री श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी को राजा मनिंद्र चंद जी ने बुलाया था बार बार, आप आओ थोड़ा हरि कथा कीर्तन करो यहाँ बहुत सारे। बार बार बोलते बोलते मनिंद्र चंद जी श्रील श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को भी बहुत इज्जत करते थे, प्रभुपाद को भी बहुत इज्जत। वो उन्होंने बार बार बोलते बोलते प्रभुपाद गया उधर, और जाने का बात उसका रहन सहन का व्यवस्था कर दिया मंदिर में, खुद मंदिर में जो मंदिर में, और बाकी लोगों का व्यवस्था अलग जाएगा। और कथा में जब सभा शुरू हुआ तो प्रभुपाद जी को कथा बोलने के लिए बोला, आप प्रवचन करो। तो जब प्रवचन करना शुरू कर दिया प्रभुपाद जी, विद इन 5 मिनट्स 5 मिनट प्रवचन किया, 5 मिनट प्रवचन करने के बाद स्टॉप इट, बंद करो, हमको नहीं चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए, कथा बंद करो, आपका कथा नहीं सुनना है। प्रभुपाद जी को कथा बंद कर दिया। राजा तो देखते रह गए, क्योंकि राजा का हैंडलिंग नहीं था। प्रभुपाद जी ने कथा बंद कर दिए, मौन धारण किए, बाकी लोग सब प्रवचन किए। प्रभुपाद जी मंदिर में गए, उसमें 2-3 दिन प्रभुपाद जी वो मंदिर में ठहरे थे। और राजा मनिंद्र चंद का पता ही नहीं है, सोने के थाले में जो मदन मोहन का जो भोग पारस निकालता था और प्रभुपाद का पास रख के आ जाता सेवक पुजारी, लेकिन किसी को पता नहीं था प्रभुपाद जी वो प्रसाद पानी तुलसी को पकड़कर ऐसा करके दंडवत करते, प्रसाद को वंदना करके छोड़ देते, बाहर का आदमी आते प्रसाद बांट देते, उसके बाद थाली चला जाता, किसी को पता नहीं। 3 दिन बाद जब प्रभुपाद जी ने वहाँ से रवाना होकर ट्रेन में चढ़े, किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया प्रभुपाद जी ने ये 3 दिन में एक बूंद पानी भी पिया नहीं। प्रभुपाद जी का संकल्प है मैं मायापुर जाकर पानी पिएंगे, उसके पहले नहीं पिएंगे। राजा मनिंद्र चंद पागल का माफिक दौड़ कर पागल का माफिक गिए और उछल के चरण में पड़े, हमको क्षमा करो, हम तो मर जाएंगे, हमको बचा के जाओ, हम तो मर जाएंगे, अब पानी तक नहीं पिए, क्या कारण है, कथा बोलने नहीं दिया, वो तो कर्मकांडी था। गौड़िया मठ का कथा इवोल्यूशन है, गौड़िया मठ का एक एक जो प्रचारक है, जो वास्तव आचरण से साधु है, उसका कथा शुरू हो जाए तो दुनिया का खटिया खड़ा हो जाएगा, दुनिया के आदमी है उसका खटिया खड़ा हो जाएगा, उन्हें क्या बोल रहे है, ऐसा प्रमोशन है। और राधा मनिंद्र चंद रोया, वो लोग कथा बोलने दिए नहीं दिया, लेकिन हमने क्या आपका चरण में अपराध किया, प्रसाद क्यों नहीं पाया। प्रभुपाद जी ने बता दिया, बिशोई बैला ध्यान से सुनो, बिशोई आदमी का घर जगह जाए, उससे अगर कुछ लेना है तो उसको अगर उद्धार ना कर सके तो हमारा हिम्मत नहीं है उसका 2 रोटी खाना, उससे प्रणामी लेना। जब भी प्रतिष्ठित वैष्णव एक प्रणामी का 1 पैसा भी खाता नहीं, वो सेवा में लगा देता है, उसका लिए कुछ चिंता नहीं, लेकिन जितना चिंता है बद्ध जीवों का लिए, जो गुरु वैष्णव का साथ चलता है और नाचा कूदा करता है, सोचता है कि भजन हो गया। इन लोगों का पीछे जो तमाम दुनिया का समस्या खड़ा हो जाएगा आज नहीं तो कल, ये कौन समझाएगा, ये कौन समझाएगा, कोई तो कुछ बोलता नहीं। इसको बचाने के लिए तो ये बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसलिए बताया, बिशोई आदमी का घर जाओ, कोई किसी भी जगह जाओ, जहाँ आप जाओगे उसको अगर उद्धार नहीं कर सकोगे तो उसको उसका पास से कुछ लेने का तुम्हारा अतीत, इसलिए हम लिया नहीं।
पूरा आ गया। तो ये जो गौड़िया मठ वाले का जो विचार है, सिसिला भक्ति वल्लभ चित्र सीमा विदेश पे गए, बहुत आदमी ऐसा भी बोले, कितना आदमी विदेश जाते हैं मानता, कितना डॉलर लाते हैं महाराज जी, आपका कोई आप लाते नहीं हो। महाराज जी बोले हम तो डॉलर लेने के लिए नहीं जाते उधर, वो देने के लिए जाते, वहाँ देने के लिए जाते, लेने के लिए नहीं जाते। जो आदमी लेने के जाते हैं वो अपना जो स्वार्थ उससे भ्रष्ट हो जाता है, अपना जो पोजीशन है उससे भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसका हिम्मत है, उसको उसका जो अंतर का जो स्थिति है उसमें भक्ति भाव पैदा कर दे, उसको उद्धार करे, उसमें उसका पैसा उसका जो कुछ भी है उसको लेके सेवा में लगा सकता, कुछ भी कर सकता, उसके लिए बंधन नहीं होता। लेकिन बद्धव जीवों का लिए ये बड़ा समस्या है, वो बेचारा कहाँ जाए। इसलिए उपदेश ये है जो जो लोग प्रचार में सन्यासी और सब प्रतिष्ठित लोगों का साथ पास जाएगा, इनका ड्यूटी है कंटिन्यूसली श्रवण कीर्तन में जुड़े रहे, और एक पल भर का लिए भी गुरु वैष्णव का नज़र का बाहर ना जाए। समझा मेरा बात? गुरु वैष्णव का नज़र का ए इधर आ, इधर बैठ। सागर महाराज जी भक्ति वैभव सागर महाराज, हमारा जो सागर महाराज जी उदाला का सागर महाराज, उनका गुरु जी उनको जैसे डांटते थे, शासन करते थे, सुनने पागल हो जाओ, थोड़ा बहुत बाहर गया है वहाँ क्यों जा रहा, इधर आ बैठ सामने। यहाँ तक भी पढ़ाई के लिए पाठशाला में नहीं, तेरे को मैं पढ़ाऊँ, वो लोगों का संग नहीं करना, क्योंकि सत्संग असत्संग दोनों ही होने का पॉसिबिलिटी है। बद्ध जीव किसी भी हालत से सत्संग नहीं कर सकता, बद्ध जीव अगर गुरु वैष्णव में अनुगत तो है तो सत्संग हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया बद्ध जीव का स्वाभाविक लक्षण है गुरु वैष्णव जो बातें करेंगे इसका खिलाफ जाएगा। समझा मेरा बात? प्रभुपाद जी ने बताए बद्ध जीव स्वाभाविक रूप गुरु वैष्णव का विरुद्ध जाता है, गुरु वैष्णव जो बोले जो करे उसका अगेंस्ट करेगा, क्योंकि वो सोचता है गुरु वैष्णव मेरा दुश्मन है। प्रभुपाद जी का कहना है बद्ध जीवों का स्वभाव है जो गुरु वैष्णव का आचार आचरण कथा इससे वो विरोध करता है, विरोध अगेंस्ट में जाता है, गुरु वैष्णव को शत्रु समझता है। इसलिए भगवत कथा जहाँ हो वहाँ मंदिर का हर आदमी, यहाँ तक कि पुजारी तक, प्रभुपाद की यह सिद्धांत है, जब तक श्रवण भक्ति कंप्लीट ना हो जाए उसको अर्चन में भेजो, रसोई में भेजो, कलेक्शन में भेजो, इन ईच एंड एवरी स्टेप देर इज अ डेंजर। हमारा गुरु वर्ग बोलते थे कलेक्शन का सेवा कीर्तन करने के लिए जाता है, बड़ा प्रतिष्ठा आता है, अरे भाई कितना सुतन कीर्तन किया, और गाओ भाई और प्रणामी देंगे। इसलिए अर्चन करने से बहुत पब्लिक का साथ उसका कनेक्शन होता है, कलेक्शन करने के लिए जाए, प्रमोशन करने के लिए जाए, ये सब सेवा करने का पहले प्रभुपाद जी ने बताए वो कम से कम हरि कथा कीर्तन में ध्यान दे, प्रतिष्ठित हो जाए, उसका लिए कोई मुसीबत नहीं। जब तक हरिकथा कीर्तन में उसका ध्यान नहीं है, आज नहीं तो कल उसका पतन होना ही है, होना ही है, होना ही है, नोबडी कैन सेव हिम। हमको कौन बचाएगा? हरिकथा बचाएगा, प्रोटेक्शन दे। इससे जीवो गोस्वामी पाद का क्या सिद्धांत, जो गौड़िया मठ वाले का जो भी भक्ति का अंग है, 64 भक्ति अंग में एनी कोई भी भक्ति अंग जाजन करो, इट शुड बी विथ संकीर्तन। समझा मेरा बात? चाहे प्रसाद सेवा करीते होय सकल प्रपंच जाय, प्रसाद सेवा करो, या तो अर्चन करो, या तो कीर्तन करो, या तो ठाकुर जी का रोसी करो, या तो कलेक्शन के जाओ, तुम्हारा जवान बंद नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कंटिन्यूअस संकीर्तन इनसाइड यू। और अगर बोले संकीर्तन कैसे होगा, हमारा अंदर में कौन है,
प्रतिष्ठित वैष्णव देखते हैं जे ये महाराज तो अकेला घर में रहता है, गौरकिशोर बाबा अकेला रहता है, राम रहने से आप लोग गाली देते हो, गौरकिशोर बाबा अकेला नहीं है, प्रतिष्ठित वैष्णव जो है माना जाता है उसको देखता है अकेला घर में है, वो अकेला नहीं है, तमाम दुनिया का गुरु वैष्णव जो गुरु वर्ग है सो उसका संग उसमें विराजते हैं। वो जो माला करते खाते चलते हैं संग संग गुरु वैष्णव का संग होते ही रहता है। हमने देखा प्रतिष्ठित जो गुरु वैष्णव का वास्तव अनुगत्य किया, गुरुजी बहुत दूर है लेकिन फिर भी गुरुजी का सिद्धांत तो, गुरुजी का कथा, गुरुजी का अंतर का जो भावना, हजारों हजारों किलोमीटर दूर रह के भी उसका अंदर में गुरुजी का जो भावना उसका अंदर में ट्रांसलेट हो जाए। उदाहरण मांगोगे, आपको एग्जाम्पल चाहिए, यहां से प्रभुपाद इधर रहते थे, विदेश नहीं जाते थे, अप्राकृत प्रभु श्रील गोस्वामी महाराज विदेश, और विदेश में जब भी कुछ होते थे हर वक्त आवेश रहता है, जो वास्तविक हरि कथा बोलता है बिना आवेश वो नहीं बोलेगा, उसके लिए माला पहनाओ उसको गाली दो परीक्षा करके देख लेना दोनों बराबर है, उसका अंदर में कुछ नहीं होता। तो गोस्वामी महाराज जी वन महाराज जी जब दूर में रहते प्रभुपाद को शरण करते और प्रभुपाद का अंदर में जो इच्छा है सारे उन लोगों का अंदर में भक्ति भक्ति तो माधव गोस्वामी मैड्रास में है, यहाँ प्रभुपाद है, मैड्रास मंदिर मनाने के लिए सब प्रचेष्टा खत्म हो गया। तो बोला महाराज बहुत प्रचेष्टा हम लोग कर लिए, संभव होगा नहीं मैड्रास में मठ बनाना। हयग्रीव ब्रह्मचारी सिसिल भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज जी बोले, गुरु भाइयों को बोले, हमारा ख्याल से तो अभी तक वास्तविक प्रचेष्टा नहीं हुआ। क्या कहते हो, वास्तविक प्रचेष्टा नहीं हुआ? हमारा ख्याल से तो वास्तविक प्रचेष्टा अभी तक नहीं हुआ, वास्तविक प्रचेष्टा हुए तो मठ हो सकता, हवे होगा ही, और इतना ही नहीं साबित करके दिखा दिया, हो सकता नहीं होगा ही, क्योंकि प्रभा गुरु जी का जो इच्छा है ये कोई स्वाभाविक इच्छा नहीं है। गुरु जी का इच्छा वास्तव रूप देने वाला कौन होता है, वो शिष्य कौन है, गुरु जी का ही तो स्वरूप, गुरु जी तो उसका अंदर में शक्ति दे के कराते हैं, कभी ये हो ही नहीं सकता। बहुत सारे सिद्धांत है, जब ही कोई प्रतिष्ठित वैष्णव, ध्यान से सुनना, जब ही कोई प्रतिष्ठित वैष्णव इच्छा करते हैं महाराज भटिंडा में इस जगह अगर एक मठ बन जाए तो अच्छा होता है, इसका अंदर में इच्छा हुआ, तो इच्छा किसका इच्छा है, भगवान का इच्छा, सदगुरु का इच्छा मतलब भगवान का ही इच्छा, अलग से इच्छा नहीं है। जब ऐसा इच्छा हुआ ये मंदिर प्रकाशित होना सारे गुरु का कृपा से हो ही जाएगा। और एक बात है, तमाम पैसा वाले लोग बीच बीच में सोचते हैं इतना पैसा आ गया हम गांव में बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत पैसा है अरे चलो एक मंदिर खोल लो उसमें विग्रह जयपुर से लाओ और बैठा दो पैसा है, लेकिन वो विग्रह कभी विग्रह नहीं होगा, वो जो मूर्ति है कभी विग्रह नहीं हो सकता। सीसील और रामानुजाचार्य जी ने सुंदर सिद्धांत दिया, रामानुजाचार्य जी ने सिद्धांत दिया, जब कोई प्रतिष्ठित महापुरुष इनके अंदर में मायापुर में बैठकर इच्छा हुआ, मदन मोहन जी का मूर्ति यहाँ प्रकट करने का इच्छा हुआ, तो कोई शिष्यों को अगर भेजेंगे जयपुर तो आपको लगेगा कोई स्काल्पचर जो भास्कर किसी ने खुदाई करके मूर्ति बनाया, बहुत आदमी का मेटेरियल कंसेप्शन होता है। लेकिन हमारा गुरु जी बोलते थे रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत, जब सिद्ध महात्मा का अंदर में कोई विग्रह प्रकट करने का वासना आ गया तुरंत इंस्टेंटली हृदय में राधा मदन मोहन प्रकट हो गया, और जो बाहर में उसको ऑर्डर देने के लिए जयपुर भेजा
ये जो प्रोसीड्योर है इसमें लगेगा जयपुर कहाँ है, गुरुजी कहाँ है। वो जो भास्कर बनाए उसमें क्या है, गुरु कृपा आवेश होकर वही मूर्ति प्रकट हो जाए, वही मूर्ति प्रकट हो जाती है। आज जो बद्ध जीव कभी मूर्ति का ऑर्डर दे उसमें ऐसा नहीं होगा, समझा मेरा बात। यहाँ तक कि हम इतना सिद्धांत तो प्रभुपाद का आपका सामने खोल दे, जो कोई प्रभुपाद का मापी व्यक्ति सिसिल भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वी महाराज इतना सिसिल भक्ति तो माधुर्ग महाराज जैसा, वो लोग अगर अंदर में वासना हुआ राधा मदन मोहन प्रकट करेंगे हम मायापुर में, या भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वी महाराज बोले कि राधा गोपीनाथ प्रकट करे, तो वो ऑर्डर देने के लिए वहाँ गया, वो जो वहाँ मूर्ति प्रकट हुआ उसको लेके हम तुरंत अर्चन शुरू कर सकता है, समझा मेरा बात। फाइन सिद्धांत, यू कैन स्टार्ट और सी। बोले यू मैड महाराज, तो फिर भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वी में पागल हो गया, मूर्ति को लाके पे धुला कर अंगो उसमें फिर अभिषेक करके प्रतिष्ठा करते किस लिए, किस लिए करते। बोले ये जो प्रोसीड्योर ब्रेक करे तो तमाम दुनिया उल्टा सोचेगा, होगा नहीं। लेकिन श्रील जनार्दन महाराज, खड़गपुर वाले जनार्दन महाराज, इनका एक इंसिडेंट बोलेंगे हम अभी। श्रील जनार्दन महाराज सर्वदा आवेश में रहते थे, पागल का मापी आवेश में रहते थे, और गौ माता का ऊपर इतना प्रीति है जितना गौ माता गौशाला में है। महाराज जी बाहर गए 7 दिन के लिए मूर्ति लेने के लिए, मूर्ति मूर्ति प्रभुपाद जी का मूर्ति ऑर्डर दिया, मूर्ति लाए हैं साथ में, पेटी का अंदर है, ट्रेन से उतर कर गाड़ी में लेके मंदिर में आए, जितना सारे गौ माता गौशाला का अंदर है। महाराज जी कहाँ उतारा, मंदिर का बाहर, और गौ माता सब उछालना शुरू कर दिया, आ गया आ गया। क्यों, उसका जो अंग गंध है नाचना शुरू कर दिया एकदम, भम्बा भम्बा। महाराज जी तुरंत आए, गाड़ी को मंदिर में घुसाया और पेटी को उतारा, वहाँ तुलसी का बेदी था वहाँ रखा, रखने का बाद जनार्दन महाराज रोना शुरू कर दिया, ए खुलो पेटी जल्दी खुलो, पोपा जी का कष्ट हो रहा है, खुलो जल्दी खुलो। अरे सब चौंक गया, अरे क्या हुआ, जल्दी खुलो पोपा जी का कष्ट हो रहा है, लाओ आरती लाओ। तुरंत पुजारी गया, आरती का सामान लिया, मूर्ति खोल दिया, मूर्ति को आसन में बैठ आरती करना शुरू कर। हैरान की बात है, क्योंकि इनके अंदर में जो भावना है, जो भक्ति है, इसके द्वारा प्रभुपाद स्वयं प्रकटित हो गए, प्रभुपाद स्वयं प्रकटित हो गए। इसको प्रतिष्ठित करने का कोई दरकार है नहीं। एक ही बात हुआ था स्वर्भोग में, स्वर्भोग में सेम बात, रामानंद प्रभु श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज, जब प्रभुपाद जी ने बताया आप सुबह अरेंजमेंट सब प्रतिष्ठा का कर दिया, मेरे को बुलाना मैं प्रतिष्ठा शुरू कर दूं, तो महाराज जी प्रेम का आवेश में विग्रह का मूर्ति देखकर प्रेम के आवेश में उसको साड़ी पहनाया और माला भी दे दी, और देने का बाद प्रभुपाद जी प्रभुपाद हो गया आप आ सकते हो, आप प्रतिष्ठा कर सकते हो। प्रभुपाद जी ने आया, प्रभुपाद जी ने आने का बाद पर्दा को हटा, व्हाट्स दैट, ये क्या है, ये तो प्रतिष्ठा हो गया, हम क्या करें, प्रतिष्ठा हो गया हमको प्रतिष्ठा कर, पोपा चला गया। रामानंद तस्सी श्रीधर गोस्वामी महाराज का प्रेम पे वशीभूत होकर विग्रह का अंदर प्राण 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 आ गया। श्रील रामानुजाचार्य जी ने बताया किसी मंदिर में विग्रह प्रतिष्ठित नहीं है, ध्यान दे, प्रतिष्ठित नहीं हुआ, किसी ने आकर रख दिया मूर्ति को। अगर कोई उच्च कोटि का महात्मा वो आकर भक्ति के द्वारा उसको प्रणाम कर दिया, उसका अंदर तुरंत प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, तुरंत प्राण प्रतिष्ठा। ये सब सूक्ष्म सिद्धांत है, ये सब बाजार में चर्चा करने वाला सिद्धांत नहीं, क्योंकि बाजार का आदमी ये सब समझेगा नहीं, तुरंत प्रतिष्ठित हो जाएगा। रामानुजाचार्य ने ये भी बताया जो शिव मूर्ति किसी वैष्णव के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है उसको दंडवत करना निषेध है। किसी वैष्णव के द्वारा प्रेम का द्वारा
प्रतिष्ठित नहीं है, शिवलिंगो, उसको दंडवत करना निषेध है। ये सब सिद्धांत तो कौन सुनेगा और विचार कौन करेगा। जब तोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्रम्मो कथा विघाता निषेव्यमान मनोदीनम ममोक्ष मतिम सतिम जच्छति वासुदेव। सब कोई का लगन हरि कथा में रहे, कीर्तन में रहे, यही वांछा करते हुए वांछा कल्पतरुवश्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।